अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, ये है वाइट मस्क बाई जे डॉट परफ्यूम और आज हम इसी अनबॉक्सिंग देखने करेंगे। से पहले आप मेरे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाइए ताकि आप कोई भी मेरी वीडियो जो है घंटी दबाने के बाद मिस ना करें। अब देखते हैं वीडियो को। अच्छा, आज जो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो अनदर, आप देख सकते हैं जे डॉट परफ्यूम, जे डॉट फ्रेग्रेंसेस का एक परफ्यूम है। तो अभी रिसेंटली मैंने आपका जो है जाना जो था वो अनबॉक्स किया था, क्योंकि वो आपकी 9000 सब्सक्राइबर्स की सबसे ज़्यादा डिमांडेड परफ्यूम वो था। तो अब जो मैं परफ्यूम बनवा था वो वाइट मस्क जो नंबर 2 पे आया था। यानी सबसे ज़्यादा जाना के बाद इन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी परफ्यूम की, वो तकरीबन वो ये वाला परफ्यूम था। तो मैं इसकी, मैंने कहा चलो इसको भी लेके अनबॉक्सिंग कर देते हैं। लोगों ने इतना इसका डिज़ाइन किया, तो आप समझ लें कि ये 11000 सब्सक्राइबर्स के अनबॉक्सिंग है और व्यू चॉइस परफ्यूम है, तो उसकी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो आप, मैं आपको पहले इसका प्रेजेंटेशन दिखा दूं, डब्बे गुजर कर लें। ये इसका बॉक्स है। परफ्यूम की कीमत, ये इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट परफ्यूम्स भाई जो ने जमशेद, और काफ़ी इन डिमांड है क्योंकि ये शॉर्ट है बहुत है। कीमत इसकी तकरीबन 2400-2500 इस तरह की है, ज़्यादा तो महंगा नहीं है। यानी परफ्यूम से कोई भी महंगे नहीं है, जो सबसे महंगा परफ्यूम है वो 4800 का है, जो फाद भाई जे डॉट था। तो ये परफ्यूम भी इतना महंगा नहीं है, 2500 रुपये का है, और बड़े बड़ी वो सुना है कि लोगों को बहुत पसंद है। तो उसकी पहले प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया था, सामने से ये बॉक्स है, वाइट मस्क लिखा हुआ है, एम्बोस्ड है, बीच में एक स्क्वायर सा बना हुआ है, आई डोंट नो फॉर व्हाट। और परफ्यूम जे डॉट 100 ml 3.5 और 4 फ्लूड आउंसेस। ये परफ्यूम बेसिकली, टू बी ऑनेस्ट, सही कहने की बात है कि मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मुझे मिला है। मैं कहीं एक कॉन्फ्रेंस में, मेरी कॉन्फ्रेंस में मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी, तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स ने, एक तोहफे में मुझे ये परफ्यूम आ गया। तो मैं कहा चलो इसकी अनबॉक्सिंग कर जाते हैं। तो डेफिनेटली दे हैव स्क्रैच आउट द प्राइस फ्रॉम ओवर हेयर, बट इट्स 2400 रुपीज़ आई थिंक। पीछे बड़ा क्लियरली जो इंग्रीडियंस, टी नेचर था, एल्कोहल प्रिकॉशंस, फ्लेमेबल, एवरीथिंग मेड इन UAE। ऊपर जे डॉट लिखा हुआ है, साइड्स पे नथिंग। नीचे इसका वो है, क्या नाम है, जो है रेफरेंस नंबर है और सीरियल नंबर है बीच में, हैज़र्ड फायर हैज़र्ड वगैरह बनी हुई है बीच में, और तो खैर कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स इन द बॉक्स। ऊपर भी जे डॉट लिखा हुआ है। तो सो दिस वॉज द प्रेजेंटेशन ऑफ द परफ्यूम। और अब ये भी है कि मैं अब इसको जब खोलने से पहले मैं आपको ये कह देता हूँ कि आप इसका वो देख लें, जो नोट्स हैं, जो हकीकत में इसके नोट्स हैं, ताकि मैं जो मैं चेक करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो आप इसके देख लें, आप इसके नोट्स। अब अच्छा, नोट्स आपने देख लिए होंगे, तो यू जस्ट प्रोसीड विद अनबॉक्सिंग ऑफ दिस परफ्यूम। ट्रस्टी नाइफ इज आउट अगेन। बॉक्स बहुत बड़ा सारा है इसका, ऊपर से सिंपल वही आप जैसे मैंने आपको दिखाया, सारी चीज़ें वही हैं, नथिंग टू शो, कोई ख़ास बात नहीं है, प्लेन बॉक्स है। बस ओनली ये जगह थोड़ी सी उठी हुई है, एंड आई डोंट नो उसमें रिजेस बनी हुई हैं, क्यों उन्होंने बनाया हुआ है, ब्राउन सा है उस पर रिजेस, मे बी ए डिज़ाइन समथिंग, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन जो मुझे समझ नहीं आती, वट एवर। बोतल को हम खोलते हैं, अंदर से वाइट बोतल है, ये प्रेजेंटेशन है। यू जस्ट टेक दिस आउट। बोतल मैं साइड पर कर देता हूँ ताकि आपको पता चलता है कि किस चीज़ की अनबॉक्सिंग हो रही है, ताकि याद रहे। द बोतल इज़ वेरी एलिगेंट, आप देख सकते हैं वाइट मस्क लिखा हुआ है, ऊपर जे डॉट है, दीज आर उभरे हुए हैं, एंड अ वेरी गोल्डन कैप है विद टेक्सचर्ड एरिया बीच में, पीछे से बिल्कुल प्लेन है। नीचे भी टिपिकल लिखा होगा जो उसने अक्सर लिखा होता है, द परफ्यूम फंक्शनल यूज ओनली 100 ml 80% वॉल्यूम मेड इन UAE। बोतल की फिनिशिंग इज ओके, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे आई डोंट नो, थोड़ा सा रंग सा कम है, मगर दे हैव प्रॉब्लम्स विद देयर पैकेजिंग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द परफ्यूम, गोल्डन इसका एवेपोरेटर है, अगर हम देख लें ऊपर से एटोमाइज़र जो है, और अंदर से एटोमाइज़र का रंग जो है ब्लैक ग्रेश
ब्लैकिश ग्रे है, बाकी तो ख़ास बात नहीं है इसमें। तो लेट्स टेस्ट इट आउट कि खुशबू कैसी है इसकी, फिर मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि अमूमन अच्छा दिस पहली दफ़ा सूंघ के मुझे लगता है कि मैंने ये परफ्यूम कहीं यूज़ किया हुआ है, तो इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ नकल किसी परफ्यूम की होगी डेफिनेटली, जो मैं एट द मोमेंट पिक नहीं कर पा रहा हूँ। आई माइट अगर मुझे पता चल गया तो मैं उसको कर दूंगा, मगर उसमें डेफिनेटली देयर इज मस्क इन द परफ्यूम, इट्स मस्की स्पाइसी, थोड़ा जेरेनियम, जेरेनियम अगर आपको बताऊँ कि एक पौधा होता है जेरेनियम, देख लीजिएगा जेरेनियम खुशबू टिपिकल होती है परफ्यूम्स के अंदर। आई एम सॉरी मतलब गला ख़राब हो गया, तो जेरेनियम की खुशबू भी बीच में है। इसके अलावा और क्या है, वुडी मस्की टेंच तो आ ही रही है बीच में, वार्म टोंका भी थोड़ा सा बीच में, थोड़ा टोंका की खुशबू है, अ लिटल हिंट ऑफ वनीला, थोड़ा सा हिंट है वनीला का बीच में। तो ये था मेन परफ्यूम जो मैं पिक कर रहा हूँ। दिस इज डेफिनेटली अ विंटर परफ्यूम, विंटर में लगाने के लिए है, इसका कॉइन ऑन द डार्क साइड, और विंटर परफ्यूम है, हैवी है, सीलेज वगैरह वो मैं आपको बाद में बता दूंगा बीच में, मगर कि इट्स वेरी हैवी ऑन द स्मेलिंग। तो ये ज़रा डार्क क्लबिंग के लिए, क्लबिंग तो हमारे मुल्क में नहीं होती, पार्टीज़ में जाने को या शाम के वक्त रात के वक्त पहनने वाला परफ्यूम है, मॉर्निंग टाइप का नहीं लग रहा मुझे ज़्यादा, मगर सर्दियों में आप जब बहुत ठंड हो तो आप सुबह ही पहन सकते हैं कि खुशबू प्रोजेक्ट करें। तो इट्स अ विंटर परफ्यूम, नाइट परफ्यूम, एंड आई कैन लाइक इट स्मेलिंग डाउन, बट आई डेफिनेटली गेट अ वाइब कि मैंने ये कहीं सूंघा हुआ है। तो जब मैं सूंघा हुआ है उसका मतलब मेरे कोई परफ्यूम मेरे जो बाकी परफ्यूम में किसी की नकल होना है, तो आई लव डेट डेट। मगर जो जेरेनियम वगैरह जो है वो सिर्फ थोड़ा सा उसमें सवाज में और मैन इन ब्लैक में आता है, तो हो जाता है उस साइड पर हो, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई लव डेट इट, आप फिक्र ना करें मैं अपडेट कर दूंगा। तो मगर इट्स अ गुड परफ्यूम, विंटर के लिए बड़ा अच्छा परफ्यूम है, वो सोफिस्टिकेटेड डिफरेंट किस्म का परफ्यूम है, तो डेफिनेटली समथिंग। और लुक एट द प्रेजेंटेशन, अगर किसी को 2500 रुपये का ही तोहफा दोगे, 2500 रुपये में पिज्जा आजकल नहीं आता यार भाई पूरे साइज़ का अच्छा, तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड टू गिव। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंडेड कि ये होना चाहिए, डिफरेंट है थोड़ा बीच में, तो खासतौर पर जेरेनियम की खुशबू आपको बीच में आती है, डिफरेंट होती है, वनीला हल्का हल्का सा आ रहा है, मस्क एंड जेरेनियम बहुत ज़्यादा बीच में, डार्क किस्म की उसकी वो दे रहे हैं बीच में। तो ये मेरी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू था वाइट मस्क, आई होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। देखें अभी भी अब देख रहे हैं कि मेरा इतने साल हो गया, मैं 10,000 तक सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं, 9,000 समथिंग, तो हम 10-11 की तरफ जाने वाले हैं, तो इससे पता चलता है कि आई एम नॉट इन द हरी ऑफ कि लोग ज़्यादा जमे हो। हाँ मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता हो कि मैं परफ्यूम लेने जा रहे हैं, तो आपको पता हो कि परफ्यूम कैसा था, आपके दिमाग में आइडिया हो कि मैं क्या परफ्यूम लेने जा रहा हूँ, या कोई चीज़ आप लेने जा रहे हैं तो मैं पहले अनबॉक्सिंग करता हूँ उसकी, ताकि आपको पता हो उस डब्बे के अंदर क्या क्या हो। तो ये मेरा एक चीज़ है, मैं जिस करता हूँ उसकी ख़रीदता हूँ, तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर जाता हूँ, तो इसलिए था ये सारा मामला। दिस इज़ नथिंग, इस हॉबी है मेरी, और ये हॉबी अब चूँकि अब मोनेटाइज हो गई है पाकिस्तान में, तो इट्स गिविंग मी सम काइंड ऑफ बेनिफिट, पिछले 2 सालों से दे रही है, मगर पहले कभी देती थी, और आप देख रहे हैं मुझे तो 10 साल हो गए, 12 साल हो गए करते हुए। प्लीज़ कीप लाइकिंग सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। कुछ चीज़ गलती मैं करता हूँ, ज़रूर मुझे बताएं कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है। अभी मैंने अपना माइक सेटअप सही तरह नहीं किया है, तो अभी मेरे इसका फ़ोन की आवाज़ ही है, तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा, दोबारा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, और खुदा हाफिज़।